आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खोले जाने पर एक बार फिर महागठबंधन के नेता हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लालू प्रसाद पर लोगों का भरोसा है, लोग देख चुके हैं विपक्ष को खत्म करने के इरादे से ये साजिश की जा रही है। जगदानंद सिंह ने अपनी बात कहते हुए कहा कि आखिर क्या बात है, बड़े समाजवादी नेताओं की किडनी खराब हो जाती है। जगदानंद बाबू ने नाम गिनाते हुए कहा कि चाहे जेपी हो और लालू यादव और शरद यादव, इन सब की किडनी खराब हुई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव की किडनी खराब होने की बात पर साजिश की। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव की किडनी खराब होने की बात पर साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या बात है, जो लोग बदलाव करते हैं, समाज को बदलते हैं, उन सभी बड़े नेताओं की किडनी खराब हो जाती है। जिस इंसान की बीमारी पर लगता था कि देश बीमार हो गया, माफ करना, सब बैठे हो, दुनिया ने देखा है, सबकी चिंता, लालू का क्या होगा, लालू लौटो, देश की जरूरत है तुम्हारी, तो अस्पतालों से मुक्त होकर के देश को राह दिलाने के लिए जो लोगों की आशा का केंद्र है लालू प्रसाद, अब ये लोग समझते हैं कि कोई नई चीज़ पैदा करके फिर से कहीं जेल उनमें बंद कर दिया जाए और किसी अंग को फिर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन भूलो मत दंगाइयों उन्मादियों, 2 मई 2021 में बंद कर दिया, जयप्रकाश आंदोलन के सबसे बड़े देन इस देश को लालू प्रसाद और जयप्रकाश जी ने सत्ता को बदलाव किया था। किडनी से बीमार बीपी सिंह, किडनी से बीमार लालू जी की किडनी खत्म, शरद यादव की किडनी खत्म, आखिर है क्या मामला। और हमारी जो आदि समाजवादी आंदोलन की आज़ादी के बाद सबसे बड़े हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वही हालत, क्या मामले भाई। कहीं पर ये लगता है कि जो जनता के भीतर से विश्वास खत्म नहीं कर पाते हैं, वह शारीरिक रूप से कहीं न कहीं खड़यंत्र के द्वारा इस काम में सफल हो जाते हैं। बता दें कि मई 2021 में रेलवे भर्ती और IRCTC मामले को CBI ने बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस मामले की जांच शुरू करने के बाद बिहार की सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इस पर पलटवार करते हुए जगदानंद सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस मामले को CBI ने बंद कर दिया था, उसे फिर से शुरू किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, इसके तहत लालू यादव को जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।